23 फरवरी से नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आधार कार्ड अपडेट कराने और आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाने शिविर आयोजित किया जा रहा है। योजना के नोडल अधिकारी ने लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के ऐसे हितग्राही जिनका आधार कार्ड बने 10 वर्ष बीत चुके हैं, ऐसे लोगों का आधार कार्ड अपडेट कराने 23 फरवरी से निगम के सभी वार्डों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बने हैं, वे शिविर में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जिसके लिए शिविर स्थलों में निगम प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से व्यवस्था की जा रही है। महापौर नीरज पाल और निगम आयुक्त रोहित व्यास की पहल से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर की जानकारी नगर निगम के सहायक जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला ने दी। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय, हम माननीय महापौर जी के मार्गदर्शन में हमारे नगर पालिक निगम भिलाई के सभी क्षेत्र में, सभी वार्डों में आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड के लिए शिविर लगाया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड है वो सबके लिए उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति बना सकता है, इसके लिए कोई BPL जरूरी नहीं है। BPL कार्डधारी भी बना सकता है और भी लोग बना सकते हैं, और यह बहुत ही उपयोगी, बहुत ही हितकारी है। कभी भी चिकित्सा अवसर पड़ने पर, कभी कभी एक अकस्मात कुछ ऐसे बात आ जाती है कि हमें नहीं पता चलता कि मैं क्या करूँ, उस समय अगर हमारे जीवन में आयुष्मान कार्ड है, शासन का द्वारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आयुष्मान कार्ड आप लोग जाके बनवाएं। आधार कार्ड जिसका 10 साल पहले का बना हुआ, वो अपडेट का काम हो रहा है, उसको भी आप लोग शीघ्र करवा लें। आप और आपकी सुविधा के लिए नगर निगम भिलाई आपके ही वार्ड में ही आयोजित कर रहा है। अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ लें, और उद्देश्य यही है कि सबका आधार कार्ड अपडेट हो जाए, आयुष्मान कार्ड अपडेट हो जाए, जो जरूरतमंद है उनका श्रमिक कार्ड हो जाए। बहरहाल आधार कार्ड अपडेट कराने से वंचित लोग और स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने से वंचित रहे रहवासी शिविर का लाभ उठा सकते हैं। शिविर का आयोजन अलग अलग तारीखों में अलग अलग वार्डों में किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।